हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ साइट विजिट। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सोनम, एंड आ गई हूं एक और अमेजिंग प्रॉपर्टी के साथ। जी हां, आज मैं एक अमेजिंग ऐसी 5-स्टार प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगी जहां का पेमेंट प्लान सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है। यहाँ पर मैं आपको शोकेस करूँगी सबसे पहले 3 BHK का सैम्पल फ्लैट, उसके बाद हम डिटेल्स की बात करेंगे। लेकिन गाइस, पेमेंट प्लान की जो मैं बात कर रही हूँ, जो सबसे अट्रैक्टिव है वो ये है कि यहाँ पे ट्राई सिटी का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ 40-60 का पेमेंट प्लान चल रहा है। जी हाँ, इनिशियली आपको 40% पे करना है एंड उसके बाद जब पोजेशन आपको मिल जाएगा तब आपको 60% पे करना है। नाउ इजंट इट अमेजिंग? एंड बेस्ट थिंग इज 40% में से भी आप सिर्फ 10% पे कीजिए, 30% आप किसी भी बैंक से लोन करवा सकते हैं। तो गाइज, आज मैं आपको दिखाऊंगी 3 BHK का सैम्पल फ्लैट एंड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये। इसका साइज रहने वाला है 1477 square feet। तो चलिए देखते हैं। ऑफ पॉइंट पे है ना, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी टावर की एंट्रेंस शुरू हो गई है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे आई हूँ। मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि किसी 5-स्टार होटल में एंटर करने जा रही हूँ मैं। जस्ट हैव अ लुक, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड एंट्रेंस है, बहुत ही सटल और बहुत ही प्यारे से इन्होंने वाइब्स क्रिएट किए हैं विद दिस ग्रीन प्लांट्स। एंड आप देख सकते हैं, ये देखिए आप एंट्रेंस देखिए, हाइट देखिए, लाइट्स यहाँ पर रहने वाली है, बहुत ही अमेजिंग रहेगा ये एंट्रेंस। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं टावर के गेट की। आप देख सकते हैं कितना ग्रैंड लग रहा है ये, कितना अमेजिंग है। जस्ट हैव अ लुक, पूरे इसमें आयरन एंड वुडन वर्क किया है, बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड। वाकई एक 5-स्टार रेटिंग दूंगी अगर मुझे रेटिंग देनी पड़े यहाँ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, तो जैसे किसी होटल का रिसेप्शन रहता है वैसा ही एक 5-स्टार होटल के रिसेप्शन की तरह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके गार्ड रहेंगे जो बैठे रहेंगे एंड यहाँ पे आपका वेटिंग एरिया आ जाता है। अब अगर आप इस सोफे को देखें तो देखें कितनी रॉयल लुक में ये सोफ़ा तैयार किया गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी प्रोजेक्ट का सोफ़ा है, वाकई लग रहा है किसी 5-स्टार होटल में हम आए हैं। लुक एट द शैंडेलियर, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल एंड एलिगेंट लग रहा है। जस्ट हैव अ लुक, हर चीज़ इस प्रोजेक्ट की बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल, एलिगेंट एंड अमेजिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते ही आप देख सकते हैं हमारा पैसेज भी आ जाता है। एंड तो गाइस, अगर मैं एलिवेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 एलिवेटर्स मिलने वाले हैं एंड साथ ही साथ हर फ्लोर पर आपके 4 फ्लैट्स रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सैम्पल फ्लैट की तरफ। एलिवेटर्स के साथ साथ स्टेयरकेस भी प्रोवाइड की गई है, सो इफ़ यू वांट टू बर्न अप योर कैलोरीज यू कैन यूज स्टेयरकेस टू। एंड यहाँ आ जाता है, आपको वुडन डोर प्रोवाइडेड है, नॉर्मल लॉक इन की सिस्टम है। तो चलिए अंदर चलते हैं। वाओ, तो गाइस फॉयर एरिया में मैं एंटर हो चुकी हूँ एंड आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली उन्होंने फॉयर एरिया को डेकोरेट किया है विद दिस लिटिल बेंच एंड दिस मिरर, जो बहुत ही ग्रेसफुल लग रहा है। आप कुछ ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक, इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉलपेपर लगाया है, कुछ ऐसे ही आप लगा सकते हैं। यहाँ पे प्यारी सी वॉच है, सॉरी क्लॉक है, बहुत ही प्यारी सी क्लॉक है ये एंड लुक्स ब्यूटीफुल हियर एंड लिखा भी है रेलवे क्लॉक, तो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन का है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम। जस्ट हैव अ लुक, आप कॉमन वॉशरूम की बेस्ट बात ये है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। अगर आप चाहते हैं कि गेस्ट आपके बेडरूम तक ना आए एंड वॉशरूम उनको यूज़ करना हो तो ये पाउडर रूम वो यूज़ कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर आपको ब्रांडेड फिटिंग्स मिलने वाली है एंड जिसके टाइल्स होंगी एंड आपको फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिल रही है एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग इन्होंने शार एनक्लोजर लगाया, आप भी ऐसा कुछ लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। वाओ, सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। नाउ जस्ट
लुक एट दिस अमेजिंग आई मस्ट से, इन्होंने इस रूम की वाइब बहुत ही प्यारी क्रिएट की है। पेंट आप देख सकते हैं, ये जो बहुत समर कलर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं बहुत ही अमेजिंग है एंड काफ़ी मूवेबल स्पेस है। इन्होंने क्वीन साइज बेड लगाए हैं एंड उसके बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो बहुत स्मार्ट वर्क किया है इन्होंने। इस टाइप की चीज़ें बनाई जिससे कम से कम स्पेस यूज़ हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप रख सको। फॉल सीलिंग इन्होंने तैयार किया, अभी कुछ ऐसा करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पंखा भी बहुत यूनिक सा है, बहुत ही स्टाइलिश एंड एलिगेंट लग रहा है एंड जस्ट लुक एट दिस। ये बहुत ही अमेजिंग से इन्होंने कोट्स लगाई है, स्टे पॉजिटिव, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग थिंग। बहुत ही पॉजिटिव कोट्स इन्होंने लगाई है। आप भी कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके यहाँ रूम डेकोर में लगा सकते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लैम्प बहुत खूबसूरत है एंड लाइट से मुझे याद है यहाँ पर आपको 24/7 पावर बैकअप मिलने वाला है, वाटर सप्लाई मिलने वाला है, साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आ जाती है आपकी बालकनी, लेट्स हैव अ लुक। तो गाइज ये है हमारे फर्स्ट बेडरूम की बालकनी जो कि कनेक्ट करेगी आपके लिविंग रूम से एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर आप बीन बैग लगा सकते हैं, अपने टेबल चेयर लगा सकते हैं, कोई झूला लगा सकते हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। इन्होंने ग्रीन प्लांट्स लगाए हैं, आप भी कुछ ऐसा लगा सकते हैं, थोड़े और फ्लावर्स लगा सकते हैं। एंड गाइस चाय और कॉफ़ी से मुझे याद है कि यहाँ पर भी पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्लब हाउस भी अवेलेबल है जो बहुत ही जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। वहाँ पर आप आराम से अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स साथ इंजॉय कर सकते हैं, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट वहाँ पर होगा, तो बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटीज़ है। ऐसे धीरे धीरे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब आगे हम फर्स्ट बेडरूम से लिविंग रूम की तरफ एंड एंटर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बहुत ही यूनिक विंटेज सी इन्होंने टेबल लगाई है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन की है एंड यहाँ पे एक तरह सा कैरिज टाइप्स भी रखा है। मुझे इसको देख के अपना बचपन याद आ गया है। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा सा टाइपराइटर है, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं बेड लगाई है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इंडो वेस्टर्न सा एंड थोड़ा ट्रेडिशनल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको विंटेज लुक देता है। कुछ ऐसा ही आप अपने घर के भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं। एंड यहाँ आ जाते हैं हम हमारे लिविंग रूम की तरफ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इन्होंने 3-सीटर काउच लगाया है या सोफ़ा लगाया है, आप 5-सीटर तक इसे कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है ये एरिया। वॉल्स पर अगर आप नज़र डालें तो बहुत ही खूबसूरत एंड डिफरेंट लुक है। इन्होंने ये ग्लास प्लेट्स लगाई है जो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन की है, आप भी कुछ ऐसा ही करवा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने टेबल रखी है, आप देख सकते हैं एंड बहुत ही एलिगेंट तरीके से रखा है कि जैसे लिविंग रूम है, लिविंग रूम में चीज़ें रहती हैं, तो वैसे ही पेंटिंग लगाई है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ आ जाता है आपकी बालकनी जो कि अटैच रहेगी आपके फर्स्ट बेडरूम से। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इन्होंने फॉल सीलिंग एंड एम्बिएंट लाइटिंग से डेकोरेट किया है, रूम की एक अलग ही वाइब क्रिएट की है, आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। एंड यहाँ आ जाते हैं हमारे डाइनिंग स्पेस की तरफ, तो लेट्स हैव लुक एंड जस्ट सी। बहुत ही यूनिक विंटेज लुक में इन्होंने इसको भी तैयार किया, आप प्लेट्स पे नज़र डालेंगे तो सब कुछ बहुत ही एथनिक वाइब दे रहा है, बहुत ही यूनिक वाइब दे रहा है। आप पीछे देखेंगे तो जैसे कि डाइनिंग स्पेस की बात हो रही है तो खाने की चीज़ें तो आती है, तो उन्होंने वैसा ही कुछ यहाँ पर लगाया है विच इज़ वेरी यूनिक इन इटसेल्फ एंड बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं हमारे किचन की तरफ, कम ऑन। सो हाउस होल्डर्स की फेवरेट जगह जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है किचन, तो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन आपको प्रोवाइड होने वाली है एंड यहाँ पे आपको सिंगल सिंक मिलेगा विद रोटेटिंग फॉसेट एंड जस्ट सी इसका हाइड्रोलिक क्लोजर रहने वाला है, वेरी सॉफ्ट क्लोजर। रेफ्रिजरेटर के लिए एक स्पेस तैयार की गई है, अपना रेफ्रिजरेटर यहाँ पे रख सकते हैं एंड इट्स ब्यूटिफुल आई मस्ट से। यहाँ पे आपको R1 गीजर का प्रोविजन भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड यहाँ से आ जाती है आपकी कोर्टयार्ड या बालकनी। तो गाइस यहाँ आ जाता है आपका कोर्टयार्ड या बालकनी, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इन्होंने यहाँ टेबल और चेयर लगाया, बट आई एम श्योर आप इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप यहाँ पे कोई फूसबॉल टेबल लगा लीजिए, फिर बारबेक्यू लगा लीजिए, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग एंड एनीथिंग हियर। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एंड आप यहाँ पे कोई इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं थोड़े से एंड इंडोर एंड आउटडोर गेम्स से मुझे याद है यहाँ पर क्लब हाउस में आपको इंडोर एंड आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है विच इज़ अगेन एंड अनदर अमेजिंग थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो गाइस चलिए आगे एक्सप्लोर करते हैं इस घर के बाकी दो बेडरूम। सो यहाँ से आ जाते हैं आपके बाकी दो बेडरूम का रास्ता, तो यहाँ आ जाता है आपका स्टोर। तो काफ़ी स्पेशियस है, इन्होंने स्टोर बनाया है, आप इसको पूजा रूम भी बना सकते हैं या जैसे मर्जी इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पैसेजवे को भी बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है, ऊपर सारा वुडन वर्क किया है विद कंसील लाइटिंग्स। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग लगाई है जो बहुत ही अलग वाइब दे रही है। आप भी कुछ ऐसा ही क्रिएटिव यहाँ पे कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे एक मिरर लगा सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं या जैसे मर्जी आप डेकोरेट करना चाहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो गाइस आ गए हैं हम हमारे सेकंड बेडरूम में एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आप देख सकते हैं, इन्होंने वार्डरोब्स बनाई है एंड बहुत ही सुंदर वार्डरोब्स हैं। आप भी कुछ ऐसा बना सकते हैं। अगर आप कलर देखें तो बहुत ही लाइट और कलर्स यूज़ किया है यहाँ पे, जैसे कि वहाँ ब्लू था, यहाँ पिंक है एंड आई थिंक जैसे वो बॉयज़ का रूम हो सकता है तो एक गर्ल्स का रूम हो सकता है, कुछ ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इन्होंने किया है। यहाँ पर भी एक बालकनी है जो हम आपको जल्दी दिखाएंगे। LED इन्होंने यहाँ पर लगाया, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं एंड जस्ट हैव अ लुक ओवर एंड ऑल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिसेंट स्पेस है। आप यहाँ पर चाहे तो कोई बीन बैग वगैरह लगा सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसे डेकोरेट करना चाहें। चलिए चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम में आप देखेंगे टाइल वर्क बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अलग अलग यूज़ में इन्होंने टाइल वर्क दिया है। यहाँ पे भी आपको एंटीस्किड टाइल्स मिल रहे, ब्रांडेड फिक्स्चर्स मिल रहे हैं, फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिल रही है एंड आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना सुंदर एंड यूनिक मिरर लगाया है। आप भी कुछ ऐसा करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, चलते हैं इस रूम की बालकनी की तरफ। कम ऑन, सो यहाँ आ जाती है बालकनी। तो ये आ जाती है गाइस बालकनी, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है इस रूम की अपनी बालकनी। यहाँ पर भी आप सर्दियों में धूप एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ग्रीन एरिया तैयार करने वाले हैं। ये तो बहुत सुंदर व्यू आपको यहाँ से आने वाला है। यहाँ पर आप दोबारा से टेबल या चेयर लगवा सकते हैं, एक प्यारा सा कैंडल लाइट अपने लव्ड वंस के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, बारबेक्यू लगा सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, कोई झूला लगा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग एरिया है ये, एंड शाम को बैठ के सब्जियाँ काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग एरिया है एंड वाकई धूप बहुत अच्छी आती है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। कम ऑन, वाओ, तो हम आ गए थर्ड बेडरूम में एंड आई लाइक व्हाट आई सी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने इनबिल्ट वार्डरोब बनाई है, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा कम स्पेस बच जाती है, बहुत कम स्पेस कंज्यूम होती है आई वुड रादर से। इन्होंने वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की है एंड लाइटिंग आप देख सकते हैं नेचुरल लाइटिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत ही प्यारी सी ड्रेसिंग तैयार की है मस्त से, आप देख सकते हैं। आप इन्होंने ज्वेलरीज भी रखी है, गिव इट दैट लुक एंड ये बहुत ही विंटेज फॉर्म में है। आप देख सकते हैं पहले के ज़माने में जैसे टेबल यूज़ होती थी वैसे ही की है, ताकि टू यू नो कनेक्टेड टू द रूट्स, जो कि बहुत ही सुंदर बात है। एंड जस्ट लुक एट द कलर, इन्होंने ग्रीन कलर यूज़ किया। मैंने कहा है पूरे घर में इन्होंने बहुत ही लाइट कलर्स यूज़ किए, जैसे कि येलो हो गया, पिंक हो गया, ब्लू हो गया, नाउ ग्रीन। और आप देख सकते हैं बहुत ही समर कलर्स है ये, बहुत ही सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट दे रहे हैं अपने आप में ही। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप LED लगा सकते हैं यहाँ पर अपना, यू कैन एंजॉय पॉपकॉर्न विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड हियर कम लेट्स हैव अ लुक। एंड यहाँ पर आ जाता है आपका वॉशरूम, काफ़ी डिसेंट स्पेस है। इन्होंने शायर इंक्लोजर लगाया है, आप भी कुछ ऐसा लगा सकते हैं। ब्रांडेड फिटिंग्स आपको दी जा रही हैं, आप देख सकते हैं टाइल वो कितनी यूनिक इनके टेक्सचर्स हैं टाइल के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं एंड डिसेंट फिटिंग रहने वाली, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी रहने वाली है। तो है ना ये एक अमेजिंग सा रॉयल 5-स्टार फ्लैट। जी हाँ, ये फ्लैट है ओमैक्स द रिजॉर्ट प्रोजेक्ट का। यस, बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है ये, एकदम रिजॉर्ट वाली वाइब्स देने वाला। तो अगर हम आगे लोकेशन की बात करें गाइस, तो ये लोकेटेड है न्यू चंडीगढ़ की प्राइम लोकेशन में, एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल सामने। एंड गाइस सबसे बढ़िया बात यहाँ की ये है कि
इसके जो सामने वाला एरिया है वो नॉन कंस्ट्रक्शन जोन है, तो आप हमेशा ही यहाँ पर ग्रीन वाइब्स का एंड एफॉरेस्टेशन का एंड इन चीज़ों का मज़ा लेने वाले बहुत ज़्यादा। आगे हम बात कर रहे हैं ये लोकेशन की और ज़्यादा, तो गाइस ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी हिमाचल रोड से, आपकी एयरपोर्ट मोहाली रोड से, आपकी चंडीगढ़ से एंड साथ ही साथ पंजाब से भी। गाइस अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आपको 24/7 वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड सिक्योरिटी मिलेगी। साथ ही साथ गाइस जैसे कि मैंने कहा कि 5-स्टार प्रॉपर्टी की तरह आपको यहाँ पर रहने वाली फील आने वाली है, तो 5-स्टार अम्यूनिटीज़ ही आपको मिलने वाली है क्लब हाउस में, जो भी आपको मिलती है जब आप 5-स्टार होटल में जाते हैं, जैसे कि पूल हो गया, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स हो गए, तो ये सारा कुछ, फाइन डाइन रेस्टोरेंट हो गया, तो ये सारा कुछ आप इन्जॉय कर सकते हैं। एंड गाइज ओमैक्स फेज़ 1 का जो हमारा क्लब हाउस है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और आगे भी जो बाकी डिज़ाइन किए गए क्लब हाउसेस वो भी ऑपरेशनल होने वाले हैं। एंड गाइज आगे अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग भी मिलेगी, क्यों हुई ना बुरी 5-स्टार फैसिलिटीज़ जी हाँ। तो मैं यही कहूँगी कि आप घर नहीं पूरा आशियाना लेंगे अपने लिए। गाइस आज ना मैं घर से डिसाइड करके आई थी कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी, तो आज इस प्रोजेक्ट में ओमैक्स द रिजॉर्ट के हम स्टैंडर्ड लेआउट प्लान्स की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 BHK, 3 BHK एंड पेंट हाउसेज अवेलेबल होंगे, जिनके टावर्स G+22 एंड G+24 के कॉन्सेप्ट से तैयार किए गए हैं। अगर मैं 2 BHK की बात करूँ तो सबसे पहले आ जाते हैं 2 BHK, जहाँ पर आपको 2 बेडरूम वॉशरूम एंड हॉल अवेलेबल होगा, जिसका साइज रहेगा 1034 स्क्वायर फीट। फिर आगे आ जाता है आपका 2 BHK विद वॉशरूम एंड यूटिलिटी एरिया, जिसका साइज रहेगा 1260 स्क्वायर फीट। गाइज अब हम बात करेंगे 3 BHK वॉशरूम एंड स्टोर, जहाँ पर अवेलेबल होगा, यानी कि हमारे 3 BHK फ्लैट्स की विद स्टोर, इनके साइजेस रहेंगे 1477 स्क्वायर फीट एंड 1486 स्क्वायर फीट। जो 1477 स्क्वायर फीट है उसका सैम्पल फ्लैट हम ऑलरेडी आपको इस वीडियो में दिखा चुके हैं। तो गाइज जो आपका 1477 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट रहने वाला है वो आपका ग्रीन फेसिंग, इंटरनल फेसिंग या पार्क फेसिंग रहने वाला है। एंड अगर मैं 1486 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट की बात करूं तो वो आपका ओपन फेसिंग रहने वाला है। दोनों में ही आपको 3 बेडरूम्स, वॉशरूम, किचन एंड स्टोर अवेलेबल होगा। गाइस अगर मैं पेंट हाउस की बात करूँ तो सिंप्लेक्स पेंट हाउसेज एंड ड्यूप्लेक्स पेंट हाउसेज दोनों ही कैटेगरीज अवेलेबल है। सिंप्लेक्स पेंट हाउसेज में सबसे पहले मैं बात करूँगी 3 BHK विद वॉशरूम एंड 2 यूटिलिटी एरियाज़ की। जी हाँ, आपको 2 यूटिलिटी एरियाज रहेंगे 3 BHK के साथ। एंड गाइस इसका साइज रहेगा 2875 स्क्वायर फीट। गाइस अब हम आगे बात करेंगे सिंप्लेक्स पेंट हाउसेज कैटेगरी में ही आपकी 4 BHK कैटेगरी आ जाती है, जहाँ पे आपको 4 BHK 4 वॉशरूम्स के साथ साथ ही साथ आपको इसमें पूजा रूम, स्टोर रूम एंड यूटिलिटी रूम भी मिल जाता है। तो इनके इसमें ये 2 साइजेस अवेलेबल रहेंगे, एक साइज रहेगा आपका 3219 स्क्वायर फीट का एंड दूसरा रहेगा 3438 स्क्वायर फीट। गाइस अब हम बात करेंगे ड्यूप्लेक्स पेंट हाउसेज की। तो ड्यूप्लेक्स पेंट हाउसेज में दो साइजेस कैटेगरीज आ जाती है, इसमें 4 BHK विद यूटिलिटी रूम एंड स्टोर रहेगा विद 4 वॉशरूम्स एंड इनके दोनों के अलग अलग साइज रहेंगे। पहले का साइज़ है 3242 स्क्वायर फीट एंड दूसरे का साइज रहेगा 3637 स्क्वायर फीट। गाइज अगर मैं पोजेशन की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट का पोजेशन आपको 2 से 3 साल में मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी देख रहे हैं न्यू चंडीगढ़ में, तो ओमैक्स द रिजॉर्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप वेकेशन भी स्पेंड कर सकते हैं, तो रहने के लिए भी एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है ये। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ, तो प्लीज़ आप मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डेफिनेटली लाइक द वीडियो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइफ साइट विजिट। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सोनम अभी आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।